एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस के नोटिफिकेशन के बारे में, यानी नवोदय विद्यालय समिति के जो नोटिफिकेशन आए हैं, नोटिफिकेशन 2022 के बारे में। अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति है क्या या फिर एनवीएस है क्या, यहाँ पे जो वैकेंसी होती है वो किस तरह से आती है, एंड यहाँ जो स्कूल है उसका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो हम यहाँ पर जो वैकेंसीज देख पा रहे हैं वो है पीईटी मेल एंड पीईटी फीमेल की वैकेंसीज। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको दो ही तरह की वैकेंसीज मिलती हैं, पीईटी मेल एंड पीईटी फीमेल की, जो कि नवोदय विद्यालय में होती हैं। जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें जो नवोदय विद्यालय है वो पीईटी मेल और फीमेल की अलग से वैकेंसीज निकालता है। सबसे पहले बात करें कि नवोदय विद्यालय समिति जो है वो है क्या या फिर ये काम किस तरह से करती है। तो नवोदय विद्यालय समिति या फिर जिसे हम एनवीएस के नाम से जानते हैं, इनके स्कूल्स जो है वो सीबीएसई से अफिलिएटेड होते हैं, जो कि फुली रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। यानी ये जो स्कूल है ये रेजिडेंशियल स्कूल है, को एजुकेशन है, ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है एंड क्लास 12 तक होते हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक ये स्कूल्स होते हैं। ये स्कूल जो है इन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है या फिर जेएनवीज कहा जाता है इन्हें। बात करें कि कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ पीटी मेल एंड पीटी फीमेल में मिलती हैं, तो जो लास्ट वैकेंसी है वो 2019 में आई थी, जिसका एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2019 में, एंड इस वैकेंसी के क्लियर होते होते 2021 तक इसे अपॉइंटमेंट देने में लग गया था। यानी जिसका एग्जाम अक्टूबर 2019 में हुआ था उसकी फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो अक्टूबर 2021 में हुई, यानी इसने पूरे 2 साल लिए थे उस वैकेंसी को कंप्लीट होने में। तो 3 साल बाद अब जो वैकेंसीज आई हैं, इन वैकेंसीज में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो पहले से काफी कम है। अगर आप 2019 वाली वैकेंसीज की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो पीटी मेल एंड पीटी फीमेल में जो है वो 21 वैकेंसी मेल में आई है, एंड ये शायद पहली बार होगा जब फीमेल में मेल से ज्यादा वैकेंसीज हैं। यहाँ ये जो 35 और 36 है ये इनके सब्जेक्ट कोड हैं, जो कि पीटी मेल एंड पीटी फीमेल के हैं। यहाँ वैकेंसीज देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी में मेल में सिर्फ 10 हैं, ओबीसी में 5 हैं, एससी में 3, एसटी में 1 एंड ईडब्ल्यूएस में 2। इसी तरह फीमेल में भी जो टोटल वैकेंसी है वो है 31। अगर ओवरऑल देखें तो जो वैकेंसीज हैं वो कम हैं, बट फिर भी यहाँ पर जो हर एक वैकेंसी है वहाँ पर हर एक को एक अपॉर्चुनिटी देती है। फिर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो क्वालिफिकेशन है उसमें अगर हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर लिखा है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। उस अकॉर्डिंग देखें तो अगर आपने किसी भी तरह की बैचलर डिग्री कर रखी है, चाहे वो बीपीई हो या फिर बीपीएड, तो आप दोनों ही कैटेगरी में एलिजिबल हो जाते हैं। बट कुछ और चीजों को देखें तो वहां पर ऐसा लिखा रहता है कि सिर्फ बीपीएड वाले ही एलिजिबल होते हैं, तो इट्स क्वाइट अ कंफ्यूजन। अगर आपको इसका क्लियर चीज पता है सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आप डीपीएड कर रखा है या फिर फिजिकल एजुकेशन का कोई 1 साल का डिप्लोमा या कोर्स किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करें एज क्राइटेरिया की, तो ये जो अपर एज लिमिट है वो 35 इयर्स है, बट यहाँ रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। एससी एसटी वालों के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का है, एंड जितनी भी विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 45 इयर्स तक की विमेन इसके लिए एप्लीकेबल होती है। साथ ही अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। बात करें इसकी सैलरी क्राइटेरिया की, तो जितनी भी टीजीटी लेवल की जॉब होती हैं, एनवीएस जो है यहाँ पर इनको मिसलेनियस कैटेगरी में रखता है, बट अगर आप एनवीएस की बात करें तो अब वो उन्हें क्रिएटिव टीचर के नाम से जानता है। जो भी म्यूजिक टीचर हैं या फिर आर्ट टीचर हैं, पीटीज हैं, इस समय वो क्रिएटिव टीचर की कैटेगरी में आते हैं, बट नोटिफिकेशन में अभी भी उन्हें मिसलेनियस कैटेगरी ही दिया गया है, जिनका जो लेवल है वो लेवल 7 होता है, जो कि टीजीटी लेवल के सेम होता है, जिसमें ग्रेड पे जो है दैट इज 4600। फिर यहाँ पे बात करें कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है या फिर आपको सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एग्जाम देना है जो कि सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 2019 में भी जो एग्जाम हुआ था वो सीबीटी ही हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, फिर नेक्स्ट फेज है, वहां पर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। थर्ड फेज जो है वो आपका इंटरव्यू है, एंड अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं देन फाइनली यू विल गेट अपॉइंटेड इन एनवीएस। फिर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपका सीबीटी होगा उसका सिलेबस क्या है या फिर उसमें कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो ये सिर्फ एनवीएस में है, जिसका जो सिलेबस है या जो कॉम्पोनेंट है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। चेंजेस भी आए हैं इस बार। अगर हम 2019 वाले पेपर को उठाकर देखें
यहाँ पर आपकी जो जीए है वो 10 नंबर की है, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की है, नॉलेज ऑफ आईसीटी जिसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अगर आप केवीएस की बात करें तो वहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज लिखा होता है तो उसके भी यहाँ पे 10 मार्क्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 10 मार्क्स है, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है यानी जो फिजिकल एजुकेशन है उसके सिर्फ 80 नंबर है, बाकी एग्जाम से हम कंपेयर करें तो ये सबसे कम है। बट यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप नवोदय की बात कर रहे हैं दैट इज लैंग्वेज, अगर आप ऊपर के 5 सेक्शन को ऐड करेंगे सो दैट विल बी 120 मार्क्स और आपकी जो मेरिट है वो इस 120 नंबर में ही बनती है। बट आपको 3 लैंग्वेज जिसमें एक हिंदी और इंग्लिश तो मैंडेटरी है, साथ में आप रीजनल लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं, अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है या फिर इंग्लिश है तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको 3 लैंग्वेज जो है उसमें क्वालिफाई करना है एंड विथ 40% मार्क्स, यानी हर एक लैंग्वेज से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। एंड अगर आपने इनमें से कम 4 नंबर नहीं लेके आते हैं एंड आप इस लैंग्वेज सेक्शन को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इस 120 में अगर 120 भी लेके आते हैं तो भी इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नवोदय के लिए कि आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें तीनों ही लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई करना है, दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग। पिछली बार भी कई लोगों के साथ ये हुआ था जिनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो ऊपर वाले पार्ट है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से किया बट फिर भी उनका जो नाम है वो नहीं आया, या फिर जो पूरा रिजल्ट आया था उसमें उसके आगे 0 लिखा था या फिर नॉट इवैल्यूएटेड लिखा था जस्ट बिकॉज वो किसी ना किसी लैंग्वेज में फेल कर गए थे। फिर बात करें यहाँ पे और चीज़ें आपको क्या चाहिए, तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है 120 प्लस 30 यानी 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 180 मिनट का टाइम मिलता है। पिछली बार की बात करें जो पेपर 2019 में हुआ था उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपके हर एक से 15 क्वेश्चन थे जो कि इस बार 10 कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जो भी मेरिट बननी है वो इस 120 नंबर में बननी है, ना कि इस 150 नंबर में। एंड एक और चीज है कि यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है 1.4 या फिर 0.25 मार्क्स की। आपका जो भी पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल होगा यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, बट जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज में होगा जो भी आपने सेलेक्ट की है। एग्जाम फीस या फिर रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1500 है जो कि टीजीटी के लिए है, और जो मिसलेनियस कैटेगरी या फिर पीटी मेल एंड पीटी फीमेल जो है वो भी टीजीटी कैटेगरी में लाई करते हैं। बात करें इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होंगे तो 2 जुलाई 2022 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे यानी 3 दिन बाद, जो कि 22 जुलाई तक चलेंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जामिनेशन कब होंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे ये अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया है, जो कि शायद जब भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो तो पता चल जाए। तो आज के लिए इतना, इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। फॉर सच मोर इन्फॉर्मेशन कीप फॉलोइंग एंड स्टे ट्यून्ड।